तो चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ शोभना यादव। क्रूज ड्रग्स केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे एनसीबी पूछताछ में शामिल होने के लिए घर से निकली। सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने ड्रग्स लेने और सप्लाई से किया है इनकार। आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम। अनन्या को लेकर एनसीबी के सूत्रों के हवाले से खबर। 2018-19 में गांजा सप्लाई को लेकर आर्यन की 3 बार हुई चैट में अनन्या का नाम। सूत्रों के मुताबिक 2 बार आर्यन ने अनन्या से गांजा मंगवाया था। एनसीबी सूत्रों से यह भी खुलासा हुआ है कि आर्यन ने 2 बार ड्रग सप्लायर्स के नंबर भी अनन्या के साथ शेयर किए थे। अनन्या ने आर्यन तक गांजा पहुंचाया भी था। कल 2 घंटे तक हुई थी अनन्या से पूछताछ। अनन्या के साथ पिता चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर छापा मारकर उनके मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया था। महाराष्ट्र में एनसीबी और नवाब मलिक के बीच जारी तकरार पर बोले गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल। समीर वानखेड़े के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से किसी जांच की कोई जानकारी नहीं। नवाब मलिक ने नहीं दिया कोई सबूत। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर लगाया आरोप। कहा एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कोरोना काल में दुबई और मालदीव्स में थे, वहीं बॉलीवुड स्टार्स से वसूली की। केंद्र सरकार की कठपुतली है वानखेड़े। मुंबई के कारी रोड पर बनी 60 मंजिला इमारत में आग। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। और आइए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, पीएम मोदी ने किया राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले 100 करोड़ डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, देश की ताकत की तस्वीर है। वैक्सीनेशन में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। पीएम मोदी ने टीकाकरण को लेकर कहा टीका लगने से लोगों में विश्वास बढ़ा है। दिवाली पर भी घरेलू सामान खरीदने की अपील की है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने जवाब दिया। बोले जब लोग जुड़ते हैं तो अद्भुत नतीजे होते हैं। ताली और थाली में भी देखी थी एकजुटता। कोरोना को लेकर पीएम ने लोगों से फिर से की अपील। वैक्सीन एक मजबूत सुरक्षा कवच, फिर भी कोरोना नियमों का पालन जरूरी है। वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी का करें पालन। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल पूछा। 42 करोड़ वयस्कों को केवल एक टीका लगा है, दूसरा डोज कब मिलेगा? राष्ट्र के नाम पीएम मोदी के संबोधन पर टीएमसी नेता सौगत रॉय का हमला। कहा यह सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, लोगों को मुफ्त में वैक्सीन नहीं मिली है, पैसे चुकाने पड़े। बंगाल के साथ भेदभाव हुआ। दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर गुजरात के नए अध्यक्ष चुनने और चुनावी रणनीति को लेकर अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पटेल को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सहमत नहीं है पार्टी के वरिष्ठ नेता। कल शाम कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। करीब 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय, जल्द ऐलान संभव। कल से मिशन यूपी के तहत कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा है। प्रियंका गांधी बाराबंकी में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने के ऐलान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का निशाना। ट्वीट करके कहा कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत बीजेपी और एसपी की तरह लोक लुभावन वादे करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के तहत विश्वेश्वरैया सभागार में यादव समाज के लोगों का सम्मेलन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे सम्मेलन को संबोधित। चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तैनात किए रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च। पिनाका की 35 किलोमीटर, स्मर्च की 90 किलोमीटर की रेंज है। पुंछ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर जारी। भाटादूरिया में जंगलों से आ रही है भारी फायरिंग की आवाज।
पुंछ के भिंबर की गली के जंगलों में 12 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए खास एहतियात बरत रही है सेना। ABP News आपको रखे आगे।